दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामका टेक। दोस्तों आज का जो जॉब का अपडेट निकल कर आया है वो इंडियन रेलवे की तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने यहाँ पे स्टेशन मास्टर, क्लर्क, गुड गार्ड और असिस्टेंट का पोस्ट निकाला है। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब को, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रामगढ़ टैग। दोस्तों ये जॉब का जो अपडेट निकाला गया है कोकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के तरफ से यहाँ पे ये जॉब का अपडेट निकाला है और गोवा कर्नाटक के तरफ से भी ये जॉब का अपडेट निकाला गया है, जिसमें एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया जा रहा है अप्लाई करने का 6 अप्रैल 2018 से और इसका आखिरी डेट जो बताया जा रहा है 12 मई 2018। फीस आप इसमें जमा कर सकते हैं 12 मई 2018 तक और एडमिट कार्ड का डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जून महीना में लिया जाएगा। चलिए आपको फीस बता देते हैं। इसमें जो फीस मांगा गया है ओबीसी को 500, एसटी एससी पीएच सर्विस मैन को 250 रुपया लगेगा और फीमेल सभी कैटेगरी को 250 रुपया लगेगा। आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो आपका होगा वो कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र, तीन स्टेट में आपको जॉब लोकेशन जॉब आपको मिलेगा। एज लिमिट जो यहाँ मांगा गया है 1 जुलाई 2018 में मिनिमम 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम 33 साल तक लिया जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट संख्या जो निकल कर आया 113 पोस्ट, जिसमें स्टेशन मास्टर में 55 पोस्ट है, जनरल को 28, ओबीसी को 15, एससी को 8 और एसटी को 4 मिला है। गुड गार्ड में 37 पोस्ट टोटल बनाया गया है, जिसमें जनरल को 18, ओबीसी को 10, एससी को 6 और एसटी को 3 बताया जा रहा है। अकाउंटेंट असिस्टेंट में यहाँ पे जो पोस्ट टोटल दिया गया है 11 पोस्ट, जिसमें जनरल को 9, ओबीसी को 1, एससी को 0 और एसटी को 1 बताया गया है। जिसमें सीनियर क्लर्क में जो यहाँ पे टोटल पोस्ट निकला है वो 10 पोस्ट है, जनरल को 5 मिला है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, एससी में 3 है और एसटी में 2 पोस्ट बताया गया है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। गुड गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। और अकाउंटेंट असिस्टेंट में आप अप्लाई करते हैं तो आपको कॉमर्स विषय में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बी कॉम होना जरूरी है, तभी आप अकाउंट असिस्टेंट में भर सकेंगे। सीनियर क्लर्क के लिए अगर आपको भरना है तो आपको ग्रेजुएशन पास यहाँ पर मांगा गया है और उसके साथ BBA, MBA, HR डिसिप्लिन में आपको सब्जेक्ट मांगा गया है, तभी आप इस जॉब को भर पाएंगे। अप्लाई से किस तरह करना है वो हम आपको बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर इसका सारा डिटेल पढ़ सकते हैं और 12 मई 2018 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसमें होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे WhatsApp में मुझे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना ऐसी जॉब की वीडियो मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।